गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो कल के सेशन में हमने ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, जीवों के अंदर जनन। और उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो पहला पार्ट था वो था लाइफ स्पान और दूसरा पार्ट था रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पान को हमने पढ़ लिया था कि बर्थ से लेके और नेचुरल डेथ तक के बीच का जो समय है, जो पीरियड है, वही होता है लाइफ स्पान। और उसके बाद हमने उसके अंदर मैक्सिमम लाइफ स्पान और एवरेज लाइफ स्पान के बारे में पढ़ा। और एनसीईआरटी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन भी अपन ने पढ़ी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अमर नहीं होता है, केवल एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर। ठीक है, तो इस लाइफ स्पान के बाद हमने उसकी स्टेजेस पढ़ी थी, जुवेनिलिटी फेज जिसको एनिमल के रेफरेंस में बोलते हैं और वेजिटेटिव फेज प्लांट के रेफरेंस में उसे कहते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज और डेथ। और कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनके लाइफ स्पान, एवरेज लाइफ स्पान के बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट्स में मुझसे ये पूछा है कि सर नोट्स जो हैं वो हम बोर्ड से ही उतारें या फिर आप पीडीएफ सेंड करेंगे। ठीक है, तो उसका ये है बच्चों कि आप जो है रेगुलर पढ़ते जाइए, आपकी क्लास जो है रेगुलर चल रही है, तो आप अपने नोट्स जो हैं वो बोर्ड से बना लीजिए। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसका एक पीडीएफ फॉर्म मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो जो भी आपके रह रहा है वो आप उस पीडीएफ में से उतार लीजिएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। और जैसे कि मैंने आपको कल के सेशन में भी कहा था कि जो क्लासेस ऑफलाइन हो रही है, ठीक है, उसको हम रिपीट करेंगे वापस से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो आप ऐसे टेंशन में मत आइए। और दूसरा बच्चों कि जब हम सेशन लेते हैं, ठीक है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है वो हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइए कि सर ये पार्ट हमारा वापस से रिपीट करवाइए, ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए बच्चों, ताकि हमें ये पता लग सके कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर आप बैठते हैं, जैसे क्लास के अंदर आप हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं, वैसे के वैसे ही आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं अगले वाले वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। यानी आपके सारे डाउट्स जो हैं वो अगले वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 का, रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, तो नाउ स्टार्ट रिप्रोडक्शन। यानी जनन, तो क्या होता है रिप्रोडक्शन, बता सकता है कोई? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जीव अपने समान संतति पैदा कर रहा है, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा कर रहा है? जनन की प्रक्रिया के द्वारा। यानी अपन कह सकते हैं कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है, जनन जो है एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतति पैदा करने की क्षमता रखता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, यहां पर जीव जो है वो अपने समान संतति पैदा कर सकता है, अपने समान संतति पैदा करने की प्रक्रिया। तो अपने समान संतति पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि जनन जो है वो होना कंपलसरी है सर्वाइव करने के लिए? क्या जीव को अगर सर्वाइव करना है, ठीक है, तो क्या जनन करना आवश्यक है? ठीक है, तो इस पे दो चीज अपन पढ़ते हैं। एक तो सर्वाइव करने की बात करें, ठीक है, यानी कि वो जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता है, और एक अपन अस्तित्व की बात करते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप
सर्वाइव की बात कर रहे हैं कि वो जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता, तो बिना जनन करे भी कोई जीव जिंदा रह सकता है, ठीक है। सभी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे अपन ने आपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक कैरेक्टर नहीं है रिप्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई भी स्पीसीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो धीरे धीरे इस धरती से उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी उसकी स्पीसीज का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो धरती से वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। साथ में अपन देखते हैं जनन, जनन के अंदर क्या होता है कि कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, यानी जनक से उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब यह है कि जनन जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, निरंतरता बनाए रखता है, ठीक है। तो इसका दूसरा जो कैरेक्टर है वो क्या है कि जनन पीढ़ी दर पीढ़ी एक जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, ठीक है। जनन पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने फर्स्ट चैप्टर में 11th क्लास का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर ये पढ़ा था कि जनन और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किस रेफरेंस के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में, क्योंकि संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि जनन भी कहलाता है, ठीक है, और अपन उसको ग्रोथ भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी कोशिका है अगर वो कोशिका अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी वृद्धि और संख्या में बढ़ोतरी करना क्या है, जनन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीवों के रेफरेंस में अगर अपन देखें तो जनन और वृद्धि एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि जीव की संख्या या कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी, जीव की संख्या या कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी जनन या वृद्धि कहलाती है, यानी जनन और वृद्धि जो है एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। और ये रूल जो है किस ऑर्गेनिज्म के लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीवों के लिए, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, तो जब वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो उसे हम जनन भी कह सकते हैं। तो जनन और वृद्धि एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। इट्स दैट क्लियर बच्चों। तो जनन क्या हो गया, अपने समान संतति पैदा करने की जो जैविक प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे, अपन जनन कहेंगे, ठीक है। जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। इट्स दैट क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं कॉमन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, कुछ कॉमन फीचर है रिप्रोडक्शन के, कॉमन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला जो इसका कॉमन फीचर है वो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो फर्स्ट फीचर इसका वो है आरएनए व प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, क्योंकि आरएनए
और प्रोटीन का निर्माण क्या है, इसका फर्स्ट कॉमन फीचर है कि अपन को क्या करना है, गैमेट्स बनाने हैं। गैमेट्स बनाने के लिए कोशिका विभाजन होना जरूरी है। कोशिका विभाजन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डीएनए को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, उसका रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, और उसके रेप्लिकेशन के लिए आरएनए और प्रोटीन की आवश्यकता होगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, प्रोटीन का जब सिंथेसिस होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी, तभी तो डिवाइडेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। ये कौन सी फेज के अंदर होता है, ये होता है जीवन फेज में। कौन सी फेज में होगा, ये जीवन फेज के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा अपन पढ़े डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, कि डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी करता है, ठीक है। और डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो कौन सी फेज में होता है, एस फेज में होता है, ठीक है, जिसको अपन सिंथेसिस फेज या डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा कॉमन फीचर है वो है कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन, ठीक है। जी टू फेज के अंदर कोशिका क्या करती है, कोशिका विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है, और एम फेज के अंदर कोशिका का विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। गैमेट्स आपस में क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं, आपस में संयोजित होते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, जायगॉट का निर्माण करेंगे, यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो उसका जो चौथा फीचर है वो क्या है, जनन इकाइयों का निर्माण, जनन इकाइयों का निर्माण। तो यहां पर जनन इकाई क्या बनती है, जायगॉट बनता है, युग्मनज, ठीक है। और यही युग्मनज जो है आगे क्लीवेज अवस्था से किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, और एम्ब्रियो से जो है फीटस बनेगा, और फीटस से न्यू बॉर्न बेबी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो जनन इकाइयों का संतति में परिवर्तन या विकास, जनन इकाइयों का संतति में परिवर्तन वे विकास, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहला जो फीचर है वो कौन सा है, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण जो आप जीवन फेज के अंदर करते हैं, डीएनए का प्रतिकृतिकरण जो एस फेज के अंदर होता है, कोशिका विभाजन जो एम फेज के अंदर होता है, यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद गैमेट्स का फ्यूजन होगा, यानी गैमेट्स आपस में संयोजित होंगे और जनन इकाई का निर्माण करेंगे, जिसका नाम है जायगॉट। जायगॉट सिंगल सेल होता है, और इसी जायगॉट से क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी भ्रूण बनता है, और भ्रूण से बनता है फीटस, और फीटस से न्यू बॉर्न बेबी का निर्माण होता है। तो ये कॉमन फीचर है रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो आज का मेन सेशन अपन लेंगे उसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ओके तो दो प्रकार का जनन होता है बच्चों, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम इन दोनों रिप्रोडक्शंस के अंदर कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल में लेते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का है, सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और दूसरा है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और यहां पर हम कुछ पैरामीटर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम दोनों के डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पैरामीटर लेते हैं पेरेंट, जनक। जनक, तो हम अलैंगिक जनक जनन की बात करें तो यहां पर एकल जनक की भागीदारी होगी, यानी यहां पर एक ही जनक जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? यूनिपेरेंटल होता है, यानी यहां पर एकल जनक की भागीदारी होती है। ये कैसा होता है? यूनिपेरेंटल। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं बाईपेरेंटल, यानी यहां पर दो जनक भाग लेते हैं। यहां पर कितने जनक भाग लेंगे? दो जनक। कैसे होते हैं ये? बाईपेरेंटल। ठीक है, यहां पर दो जनकों की भागीदारी होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी है, हम आप यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक तो यूनिसेक्सुअल की और एक बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी, कि ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही लिंग को धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन्हें डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, एंड मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन ए सेम इंडिविजुअल इट्स कॉल्ड बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि अगर नर और मादा अलग अलग जीव में उपस्थित हैं वो हो जाएंगे एकलिंगी, और नर और मादा दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में उपस्थित हैं तो वो हो जाएंगे द्विलिंगी। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं बाईपेरेंटल। बाईपेरेंटल का मतलब होता है द्विलिंगी, बाईपेरेंटल का मतलब होता है दो जनक भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बाईपेरेंटल यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम देखेंगे बाईपेरेंटल बाईसेक्सुअल का। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यूनिपेरेंटल बाईसेक्सुअल का। ठीक है, यानी एकल जनक की भागीदारी द्वारा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि दो जनक भाग लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें एक जनक के भागीदारी द्वारा भी लैंगिक जनन हो सकता है। ठीक है, वो अपन यहाँ देखते हैं। जैसे हम यहाँ बात करें बाईपेरेंटल यूनिसेक्सुअल की, तो देखो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं ह्यूमन, मनुष्य। ठीक है, तो हमने यहां पर बनाया है रामलाल, देखो ये रामलाल बना हुआ है। ठीक है, और इसकी वाइफ हमने बना दी है कांताबाई। ठीक है, ओके, तो ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल। ओके, तो ये कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल है कि नर अलग है और मादा क्या हो गया? अलग हो गया, और जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तब ये बनता है चिंटू। ठीक है, इनका बच्चा बन गया चिंटू। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? यूनिसेक्सुअल है। यहां पे कितने जनक ने पार्टिसिपेट किया? दो जनकों ने, मेल ने और फीमेल ने, और ये दोनों कैसे हैं? एकलिंगी है, कि नर अलग है और मादा अलग है। ठीक है, तो दो जनक की भागीदारी हुई और ये कैसे हैं? एकलिंगी हैं। क्लियर, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? ह्यूमन हो गया। बात करते हैं अपन बाईपेरेंटल बाईसेक्सुअल की। ठीक है, जैसे कि हमने 11th क्लास का जो लास्ट सेशन लिया था अर्थवर्म, अर्थवर्म कैसा होता है? बाईसेक्सुअल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है अर्थवर्म। अर्थवर्म का मतलब है केंचुआ,
ठीक है। अर्थवर्म क्या होता है? केंचुआ। तो देखिए यहां हमने अर्थवर्म बनाया है, ओके। ये अर्थवर्म के शुक्रग्राही का छिद्र है जहां पर शुक्राणुओं को इकट्ठा किया जाता है। ये इसका मादा जनन छिद्र है और ये इसका नर जनन छिद्र है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, शुक्रग्राही का छिद्र, ये मादा जनन छिद्र और ये नर जनन छिद्र, ठीक है। तो हमने ये बताया था आपको जब केंचुआ पढ़ा था हमने, कि केंचुआ जो होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी नर और मादा दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही केंचुए में उपस्थित है, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर जो केंचुआ होता है उसके अंदर प्रोट एंड्रस कंडीशन पाई जाती है। प्रोट एंड्रस कंडीशन का मतलब हो गया कि उसके नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल दूसरा केंचुए की हमको आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे, तो ये देखिए, तो यहां पर तो हो गया नर जनन छिद्र, ये हो गया मादा जनन छिद्र और ये हो गया शुक्रग्राही का छिद्र, यानी इसका तो नर जनन छिद्र और इसका शुक्रग्राही का छिद्र, इसका नर जनन छिद्र और इसका शुक्रग्राही का छिद्र, ठीक है। तो यहां पर बाइसेक्सुअल होने के बाद भी कितने जनक काम आ रहे हैं, दो जनक काम आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये भी कैसा है, बाई पेरेंटल, ये कैसा है, बाई पेरेंटल, क्लियर। फिर अपन बात करते हैं यूनिपेरेंटल बाइसेक्सुअल की। तो आपने नाम सुना होगा टैप वर्म का, इसका एग्जांपल है टैप वर्म, जिसको अपन बोलते हैं फीता कृमि, प्लेटी हेलमिंथीस का सदस्य होता है और इसका जूलॉजिकल नेम होता है टीनिया सोलियम। क्या होता है, टीनिया सोलियम। और टीनिया सोलियम के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर एक ही जनक के भागीदारी के द्वारा वो लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन मेन फीचर थे, कि बाईपेरेंटल है, यूनिसेक्सुअल है, ह्यूमन और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। कैटल्स में आप ले लो गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, जो भी आप लेना चाहें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। बाईपेरेंटल है, बाईसेक्सुअल है, अर्थवर्म, ठीक है, यहाँ पर दो जनक भाग लेते हैं, ठीक है, और बाईसेक्सुअल है और यूनिपेरेंटल है, ठीक है। टैप वर्म जिसको अपन बोलते हैं टीनिया सोलियम, और टैप वर्म इज ए मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमिंथीस फाइलम, क्लियर। तो ये दो फीचर, एक फीचर हमने पढ़ा जनक का, एकल जनक, और यहाँ पर कितने जनक हैं, दो जनक है मोस्टली, क्लियर। अपन इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आगे अपन देखते हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। अब हम दूसरा इसका फीचर लेने वाले हैं जिसका नाम है गैमीट फॉर्मेशन, यानी युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण, तो हम बात करें किसकी, अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन के अंदर क्या युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है, बताइए। अलैंगिक जनन में क्या युग्मक बन सकते हैं? अलैंगिक जनन में युग्मक बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, यानी अलैंगिक जनन जो है विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन से हो सकता है, यानी गैमेट बिना बने भी हो सकता है और गैमेट बनने के बाद भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो युग्मकों का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं मोस्टली तो युग्मकों का निर्माण नहीं होता, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, कि यहां पर युग्मक बनते भी हैं और नहीं भी बनते हैं, ठीक है। तो युग्मक बनते भी हैं और नहीं भी बनते हैं। अगर युग्मक बन रहे हैं अगर युग्मक बन रहे हैं, युग्मक का निर्माण अगर होता है, तो उनमें
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? पार्थिनोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनन। क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन। तो यहां पर क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण अगर होता है, ठीक है, तो युग्मक जो है बिना फ्यूज हुए यानी बिना संयुग्मित हुए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर पार्थिनोजेनेसिस टर्मिनोलॉजी दे रखी है और हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा युग्मकों का निर्माण होगा, तो यहां पर युग्मकों का निर्माण होता है, हमेशा युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ पर युग्मक बनते भी हैं और नहीं भी बनते हैं, ठीक है। तो अपन बात करें कि युग्मकों का निर्माण अगर हो रहा है तो कौन से डिवीजन के थ्रू हो रहा है, तो अपन जो तीसरा कैरेक्टर लेने वाले हैं वो है डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है, कोशिका विभाजन। तो अगर यहां पर, वैसे तो यहां पर जो है युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर युग्मकों का निर्माण हो रहा है तो होता है किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा। और यहां पर युग्मकों का निर्माण हमेशा होता है किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा, यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता भी है और नहीं भी होता है। अगर होता है तो किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। और अगर नहीं हो, सॉरी, इसके अंदर हमेशा क्या होगा? होगा, ठीक है, वो किसके द्वारा होगा? मियोसिस के द्वारा, यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। इट्स दैट क्लियर? अभी बन रहा है, 15-20 मिनट और। सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस करते हैं। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी युग्मकों का संयोजन, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं युग्मकों का संयोजन होता है या नहीं होता है। देखो, यहां पर पहली बात तो युग्मक बनते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, लेकिन युग्मकों का संयोजन नहीं होता है। यहां पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, यानी यहां पर युग्मकों का संयोजन नहीं होगा, और यहां पर युग्मकों का संयोजन होगा। क्या होगा? यहां पर युग्मकों का संयोजन होगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? यहां पर युग्मकों का संयोजन नहीं होता है और यहाँ पर होता है, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी और हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए जनक की बात करें तो यहाँ पे एकल जनक भाग लेते हैं और यहाँ पे दो जनकों की भागीदारी होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता भी है और नहीं भी होता है। अगर हो रहा है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पार्थिनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन। और यहाँ पे ऑलवेज युग्मक बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर युग्मकों का निर्माण अगर हो रहा है तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होगा और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा, ठीक है। और यहाँ पर युग्मकों का संयोजन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर युग्मकों का संयोजन क्या होगा? होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर अपन देखते हैं, 10-15 मिनट और। बात करें अपन स्पीड की, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है स्पीड, ठीक है। तो कौन सा जनन जो है फास्ट होगा? तो ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ यहाँ पर क्या बन रहे हैं? युग्मक बन ही नहीं रहे हैं और डायरेक्ट जो है ऑर्गेनिजम्स बन रहा है, तो यहाँ पर स्पीड जो होगी वो क्या होगी? बहुत ही फास्ट होगी, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? स्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पीड क्या होती है? फास्ट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? स्लो। फिर अपन बात करते हैं वेरिएशन की, कि विभिन्नताएं
आती है या नहीं आती है, वेरिएशन यानी विभिन्नताएं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहां पर विभिन्नताएं नहीं आती है, तो नो वेरिएशन, यहां पे वेरिएशन नहीं होता है, जबकि यहां पर वेरिएशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो जनक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर वेरिएशन होगा, लेकिन यहां पर वेरिएशन नहीं होगा। क्या हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन ला सकते हैं क्या, जबकि यहां पर यूनिपेरेंटल यानी एक ही जनक भाग ले रहा है, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो सेम टू सेम अपने जनक के समान होगा, तो क्या हम यहां पर भी वेरिएशन ला सकते हैं क्या? क्या इसका आंसर यस हो सकता है? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि यहां पर आंसर हो सकता है यस, कि हम वेरिएशन ला सकते हैं। किसके द्वारा? म्यूटेशन के द्वारा। किसके द्वारा? म्यूटेशन के द्वारा, यानी उत्परिवर्तन के द्वारा। हाँ, कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग भी हम वेरिएशंस ला सकते हैं, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस हो जाएगा, और वो प्रोसेस कौन सा होगा? म्यूटेशन, ठीक है, उत्परिवर्तन, यानी जो म्यूटाजेंस के द्वारा होता है, तो उत्परिवर्तन के द्वारा हम यहाँ पर वेरिएशन ला सकते हैं, ठीक है। बात करें क्लोन की, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है क्लोन, ठीक है। तो क्लोन किसका परिणाम होता है? अलैंगिक जनन का। तो यहां पर क्लोन बनता है, जबकि यहां क्लोन नहीं बनता है, ठीक है। क्लोन का मतलब हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति मॉर्फोलॉजिकली यानी आकारिकी रूप से, और जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। यही क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है, कि अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति आकारिकी रूप से और आनुवांशिकी रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। यही क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। जबकि लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति आकारिकी व अनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पर क्लोन नहीं बनता है। क्लोन नहीं बन रहा है, इसका मतलब वेरिएशन आना ही आना है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्विकास, कि कौन सा जनन जो है वो उद्विकास में भाग ले रहा है। देखो, जहां पर वेरिएशन आ रही है, जहां पर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है नए कैरेक्टर्स को लेके, वहां पर उद्विकास होगा, ठीक है। और जहां पर वेरिएशन ही नहीं आ रही है, एग्जैक्ट कॉपी बन रही है पेरेंट की, तो वहां पर उद्विकास नहीं होगा। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है किसमें? इवोल्यूशन में। तो नो कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है किसमें? उद्विकास में। जबकि इसका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ये उद्विकास में हेल्प करेगा, जबकि अलैंगिक जनन उद्विकास में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो अपन वापस से रिपीट करते हैं। स्पीड की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है, ठीक है। अपन बात करें वेरिएशन की, तो यहाँ पर वेरिएशन नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर आपको विभिन्नताएँ देखने को मिलेगी, लेकिन अपन म्यूटेशन के द्वारा इनमें विभिन्नताएँ ला सकते हैं, ठीक है। क्लोन की बात करें तो यहाँ पर क्लोन बनता है, एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट की, जबकि यहाँ पर क्लोन नहीं बनता है। फिर अपन बात करते हैं इवोल्यूशन उद्विकास की, तो अलैंगिक जनन उद्विकास में भाग नहीं लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन जो है उद्विकास के अंदर भाग लेता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन, इसको हम पढ़ेंगे कल कुछ नेटवर्क इशू है, इसलिए हम जो है इस सेशन को आगे कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। इसलिए आप यहाँ तक घर पे रिवाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए, और जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आपका रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और उसके आगे स्टार्ट करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट्स दैट क्लियर बच्चों? थैंक यू सो मच। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। ओके, बाय।